आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरा नाम है राम अधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग तीन ताल में भारी ठेका सीखने वाले हैं, जिसे विलंबित ठेका भी कहते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं तथा व्हाट्सएप नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमें व्हाट्सएप माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग विलंबित ठेका सीखते हैं, जिसे भारी ठेका कहते हैं, ठीक है। तो बोल आप लिख लेंगे, बोल है धा तिरकिट धिन तिरकिट धिन धिन धा तेटे धा तिरकिट धिन धिन धा तेटे धागे तेटे तिन तिरकिट तिन तिन ता तेटे ता तिरकिट धिन धिन धा तेटे धा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे बजाना सीखते हैं, कैसे तबले पर इसे बजाना है। देखिए धा को कैसे बजाएंगे। धा बजाने के लिए स्याही और लौ के बीच में इस फिंगर को रखना है, ये वाला फिंगर उठा रहेगा। फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे तो ता और ना सब की आवाज आएगी, ठीक है। डग्गे पर बजाएंगे घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे, ये हो जाएगा धा, ठीक है धा। उसके बाद तिरकिट देखिए कैसे बजाएंगे। तिरकिट बजाएंगे स्याही के बीचों बीच इस तीनों फिंगर से ती, फर्स्ट फिंगर से रा, इसे कहेंगे किसे कहेंगे ट, ती रा की ट, ठीक है धा तिरकिट धिन। धिन कैसे बजाएंगे, लौ पर तीन, ये है ना लौ, यहाँ तीन बजाएंगे डग्गे पर घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे धिन, ठीक है। उसके बाद फिर तिरकिट ती रकिट, जैसे हम आपको तिरकिट बजाना बताए ती रकिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा धा तिरकिट धिन तिरकिट। उसके बाद बजाएंगे धिन धिन धा तेट, देखिए कैसे बजाएंगे धिन, लौ पर तीन डग्गे पर घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे धिन, दो बार बजाएंगे धिन धिन धा, चाटी पर ना डग्गे पर घे, ये हो जाएगा धा, समझ गए धिन धिन धा तेट, ठीक है। तो ये सारे बोल को एक साथ बजाएंगे तो ये हो जाएगा धा तिरकिट धिन तिरकिट धिन धिन धा तेट। फिर सेम धा तिरकिट धिन तिरकिट धिन धिन धा तेट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है धागे तेटे तिन तिरकिट, अब देखिए इसे कैसे बजाएंगे, धा चाटी पर ना डग्गे पर घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे, ये हो जाएगा धा, ये हो जाएगा घे, धा घे तेटे तेटे बजाएंगे स्याही के बीचों बीच, ते फर्स्ट फिंगर से ते, ठीक है धागे तेटे तिन लौ पर, ठीक है ये हो जाएगा तिन, ठीक है तिन तिरकिट ती रकिट, ठीक है धागे तेटे तिन तिरकिट। फिर तिन तिन ता तेट, तिन तिन कहाँ बजाएंगे लौ पर, यहाँ, ठीक है तिन तिन ता तेट, ठीक है धागे तेटे तिन तिरकिट तिन तिन ता तेट, समझ गए। उसके बाद ता तिरकिट धिन तिरकिट ता चाटी पर, ठीक है ता तिरकिट ती रकिट, फिर धिन लौ पर तीन डग्गे पर घे, दोनों को एक साथ आघात करेंगे धिन तिरकिट, फिर धिन धिन लौ पर तीन डग्गे पर घे धिन धिन धा तेटे, समझ गए। सारे बोल को एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा धा तिरकिट समझ गए। अब दोस्तों
इसमें ठेका लगाना है शुद्ध वाला, ये बजा करके विलंबित ठेका बजा करके फिर शुद्ध ठेका लगाना है। शुद्ध ठेका लगाने के बाद तब हमें पेशकारी बजाना है या कायदा बजाना है या जो भी बजाना हो उसके बाद बजाएंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि हम सोलो वादन कर रहे हैं, तो सोलो वादन सबसे पहले क्या बजाया जाता है? पेशकार। तो देखिए कैसे बजाना है, शुद्ध ठेका लगा कर। शुद्ध ठेका के बोल आप जानते हैं, बोल हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। देखिए कैसे बजाएंगे, धा चाटी पना डग्गे पर घेज, दोनों को एक साथ आघात करेंगे धा, ठीक है। धा धिन लौ पर तीन डग्गे पर घेज, दोनों को एक साथ आघात करेंगे धिन, समझ गए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, समझ गए। और फिर दोबारा इसे बजा देना धा के बाद धा तिन, तिन लौ पर बजाएंगे यहाँ तिन तिन ता धा तिन तिन ता, फिर ता चाटी पर धिन धिन धा, ठीक है। समझ गए कैसे बजाना है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें कायदा को पकड़ना है या पेशकार पकड़ना है। मान लीजिए हम आपको पहले बता देते कि पेशकार यानी सोलो वादन कर रहे हैं एक तरीका से, तो सोलो वादन में सबसे प्रथम में क्या बजाया जाता है? पेशकार। तो पेशकार पकड़ लेना है, देखिए कैसे बजाना है पेशकार। पेशकार, पेशकार के बोल क्या है? धाक धाती धाता तीना धाती धाती धाता तीना धाक धाती धाता तीना धाती धाती धाता तीना। धाक धाती धाता तीना धाक धाती धाता तीना धाक धाती धाता तीना धाती धाती धाता तीना, समझ गया। पेशकार के बोल कैसे आप लिख लिए होंगे, बोल है धा कृताति धाधा धीना धाति धाति धाधा धीना ता कृताति ताता तीना धाति धाति धाधा धीना, ठीक है। उसके बाद इनके जो पलटा हम अभी बजा करके आपको सुनाए, इनके बोल हैं धा कृताति धाधा धीना धा कृताति धाधा धीना धा कृताति धाधा धीना धाति धाति धाधा धीना, ठीक है। उसके बाद है ता कृताति ताता तीना ता कृताति ताता तीना धा कृताति धाधा धीना धाति धाति धाधा धीना, समझ गए। तो ये हो गया आपका पेशकार के पलटा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें और भी पलटा लगा सकते, जैसे धा कृताति धा धीना धाति धाति धाधा तीना ता कृताति तातिना धाति धाति धाधा धीना, ठीक है। एक और भी बजा सकते हैं, धा कृताति धा धिन्ना धा धाति धाधा तीना ता कृताति तातिन्ना धा धाति धाधा धिन्ना, ठीक है। तो देखिए कैसे बजाएंगे, हम शुरू से बजा करके आप सुनाते, देखिए धा।
प्रकार से आपको बजाना है, ठीक है। तो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। दोस्तों यदि आपको भी शुरुआत से तबला सीखना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि जब आप सोलो वादन शुरू करें तो विलंबित लय ठेका को ज़रूर बजाएं, ठीक है, जिसे भारी ठेका कहते हैं, ठीक है। तो इस ठेका को बजाएं और इसे जब बजाएं ना तो बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे स्लो मोशन में विलंबित, यानी पूर्ण विलंबित में आप इसे बजाएं ऐसे। ऐसे बजाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद ठेका पकड़ लेना है। तो ऐसे आपको बजाना है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि सबसे पहले आपको भारी ठेका बजा देना है सोलो वादन में, यानी स्वतंत्र वादन में, ठीक है। फिर आपको ठेका लगा करके फिर आप पेशकार बजाएं, पेशकार बजाने के बाद फिर आप कायदा को पकड़े, जैसे कायदा हो गया धाते टे धाते टे धादा टेटे धागे तीना किना ताते टे धादा टेटे धागे धीना गिना। फिर आपको मैं तीन ताल टुकड़ा बताया, टुकड़ा बजाना है, फिर साधारण परन बजा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सोलो वादन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि तबले से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट में बताएं, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, और तबले से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो ज़रूर आप हमसे पूछें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे बजाना सीखें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।